जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर। खंडवा जिला अस्पताल से इस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया, ऐसा इस परिवार का आरोप है। दरअसल यह व्यक्ति जो पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, इनका ये कहना 20 से 25 दिन हो गए एडमिट है, और इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। 25 दिन में भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो पाया। कल इन्होंने बीपी की शिकायत पर जो नर्स होती है उससे अपनी बात कही कि उसका बीपी चेक कर ले। नर्स ने नहीं किया, इस बात पर नर्स नाराज हो गई, डॉक्टर को शिकायत की, ऐसा इनका कहना है, और डॉक्टर ने आकर आज खीज में इन्हें डिस्चार्ज कर दिया। आइए, किस तरह की तकलीफ से ये जूझे, क्या कहना है, क्या समस्या है, सुनवाते हैं। 25 दिन हो गए हमको यहाँ पे भर्ती हुए, हमको बोले एक हफ्ते में ऑपरेशन, मंगल के दिन ऑपरेशन हो जाएगा। फिर बोले मंगल आ गया, फिर बोले इस मंगल में बोले मैडम छुट्टी पे है, अगले मंगल हो जाएगा। हमने बोले ठीक है, आगे अगले मंगल तक और गोली दवाई चल रही है। फिर तीसरा मंगल आ गया, तीसरे मंगल पर मिले सर ऑपरेशन आज हो, बोले भैया अभी नहीं होगा, छुट्टी वाली मैडम नहीं है, सुन करने वाली मैडम नहीं है, अभी ऑपरेशन नहीं होगा, अगले मंगल होगा। तीन चार मंगल ऐसा कहते कहते निकाल दिए सर। उसके बाद में रात को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, दर्द ऑपरेशन में नस के अंदर दर्द ज़्यादा बढ़ गया मेरा। दर्द बढ़ने की वजह से मैंने मैडम नर्स को बोला, मतलब मैडम मेरे को तकलीफ़ है और घबराहट हो रही है और मेरा बीपी भी बढ़ गया है, ज़रा आप चेक कर लें बीपी। तो बीपी चेक करने का बोला तो मैडम मेरे ऊपर सरक गई, और उसके बाद में मुझे बोलती है पुलिस वालों की धमकी दिए, पुलिस वालों की मुझे धमकी दी गई, बोले पुलिस वाले बुलवा करके अभी बाहर फेंकवा दूँगी तुमको, हॉस्पिटल के बाहर फेंकवा दूँगी जब सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। बोले हमको तल रहे हो, बोले रातों में आके बोले पढ़ देते हो, बोले हमको तलते हो। अब बताओ मरीज है, अगर डॉक्टर तबीयत ख़राब होगी जो ऑन ड्यूटी है उसको नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? धमकी आपको किसने? मैडम ने दी। क्या नाम है? रंजीता। क्या नाम है? रंजीता मैडम। कौन से पद पर है? सिस्टर। वो पद हमको नहीं मालूम सर, नर्स है वो। उसके बाद में वो अगर बोले सर आ रहे, सर से बात कर लेना। अब डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब को भी हम नहीं पहचानते। डॉक्टर साहब आए और आते के साथ में डॉक्टर साहब बोलते हैं, बोले इनके सब फेंको फाको बाहर, बोले भगाओ, बोले इनको भी मिला। सर आप लिखित में दे दो मेरे को कि आप मेरे की छुट्टी कर रहे हो या आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। और उसके बाद में उन्होंने मिलना लिखित में दे दो, तो आप उन्होंने बोले नहीं मैं लिखित में नहीं दूंगा, तुम्हारी मर्ज़ी से जाओ। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं अस्पताल छोड़ के कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाएगा मरीज अस्पताल छोड़ के। उसके बाद में सवेरे का दिन निकला, मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मिला डॉक्टर साहब सवेरे राउंड पे आया डॉक्टर साहब, तो वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुम्हारा अपेंडिक्स फट जाएगा, बोले उसकी कोई हमारी जवाबदारी नहीं है, बोले आप जाके बाहर इलाज करवाना चाहो तो करवा सकते हो, और नहीं तो यहाँ पड़े रहो, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है उसकी, उसके मर जाओगे, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। यहाँ पर इलाज करने से मना कर दिया? हाँ। इतने दिन से बातें रहे तो पहले क्यों बोला गया कि आपका इलाज नहीं होगा यहाँ पे? आश्वासन दे रहे थे ना सर, आश्वासन दे रहे कि अगले मंगलवार तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। फिर अगले मंगलवार फिर बोल रहे अब हो जाएगा ऑपरेशन, अभी भी बोल रहे हैं वो, तो क्या ये मंगलवार हो जाएगा। लेकिन बात वही आ रही है, मैडम छुट्टी पे चल रही, सुन करने वाली बोले मैडम छुट्टी पे। आपका क्या नाम है? इसको करीब रफीक को भर्ती हुए अस्पताल में 24 से 25 दिन होने पे आ रहे हैं, इसको अपेंडिक्स की शिकायत बताई, अपेंडिक्स की शिकायत बताने जाँचें वगैरह हुई, अपेंडिक्स की शिकायत बताई गई, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, तो जिसके लिए वो मंगलवार करते हुए आज 24 दिन हो गए। उसको नस में इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेट में इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि दो बार उसको ऑक्सीजन भी लगा, उसके हाथ पैर ऐसे कांप रहेंगे। और रात में क्या हुआ कि इसने फ़ोन लगाया कि ये मेरे को छुट्टी देने का बोल रहे हैं, डिस्चार्ज करने का बोल रहे हैं। तो हम लोग दो तीन जने हॉस्पिटल में आए, देखे, उनसे बात करे, तो वो मैडम जो है वो रंजीता नर्स जो है, नर्स रंजीता, वो उसके साथ में एक और थी, वो इतनी अभद्रता से बात कर रही थी। हमने बोला मैडम सीधी बात करो, ये तुम्हारा बात करने का, तुम पढ़ी लिखी हो, कैसे बात कर रही हो? बोले हाँ, बोले आंटी डॉक्टर को बोले तुम्हारा सामान फिकवाती हूँ, बोले मैं इस तरीके से बात करी। रमज़ान का त्यौहार छोड़ करके दो बच्चे हैं, इनके दो बच्चों को लेकर के यहाँ पड़े हुए हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके पास में इतनी भी गुंजाइश नहीं कि वो कहीं बाहर जाके कोई ऑपरेशन करा लें, इसलिए बेचारे आस में पड़े हुए थे, वो आस के अंदर इन्होंने 24 से 25 दिन लगा दिए। और सुबह डॉक्टर आके बोलता है कि तुम्हारी नस फट जाए, तुम मरो, हमको क्या करना? बोले यहाँ के तरीके से काम होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि यहाँ का जो है ना
हॉस्पिटल के जो मामले हैं ये सुधर नहीं रहे, इन्हें सुधारा जाए। और जो सिविल सर्जन है, सिविल सर्जन का काम बनता है कि यहाँ पे इन लोगों को कंट्रोल करे और ऐसी बातें नहीं करे मरीजों से। और सुबेरे जो डॉक्टर आया, सुबेरे डॉक्टर आया, उसने भी अभद्र व्यवहार किया। और इनके खिलाफ या तो कानूनी कार्रवाई की जाए, हम तो कार्रवाई करेंगे, कलेक्टर साहब के वहाँ पे जाके इनकी शिकायत करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, और स्वास्थ्य विभाग भोपाल भी करेंगे, और उनकी कापियाँ लेकर के इनको हम पता दो। सरकारी हॉस्पिटल जो है बहुत अच्छा बन गया है, एक नंबर अस्पताल हो गया है। एक नंबर अस्पताल की जमाने भर की पेपरबाजियाँ हुआ करती हैं, एक नंबर नहीं, वो तो अच्छे अस्पताल को सड़वा अस्पताल बना दिया इन्होंने। ये गरीब लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे बेचारे? सरकारी अस्पताल में नहीं आएंगे तो प्राइवेट में कहाँ से जाएंगे? इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? ये रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, इतने दिन से अस्पताल में पड़े हैं, बच्चों की क्या हालत है, घर की क्या हालत है, ये बहुत गरीब लोग हैं। त्योहार के टाइम उनको चंदे के कपड़ों के वो नहीं। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था, और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री।